हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आई लाभ और हानि से संबंधित दो सवाल यहाँ हल करते हैं, जिसमें पहला सवाल है, एक वस्तु का 10% और 15% लाभ के आधार पर 8 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का हमें रेशियो ज्ञात करना है, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है। मान लेते हैं सीपी इसका क्या है, सीपी इसका मान लेते हैं 100, मान लेते हैं सीपी 100 रुपये, मान लेते हैं सीपी, यानी कि क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। अब 100 का कितना है, 10%, तो 100 का मतलब गुणा और 10% का मतलब 10/100। अनुपात लगा दीजिए, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है, और 100 रुपये इसका मान लेते हैं, 100 का इसमें ज्ञात करना है 15%, यानी कि 15/100। अब देखिए, 100 से 100 को आप काट सकते हो, इधर भी 100 से 100 आप काट सकते हो, इधर कितना बचता है, 100 प्लस के 10, और इधर बचता है 100 प्लस के 15, 110, अनुपात में 115 हो जाता है। 5 से इसको काटेंगे तो 22 होता है, और इसका होता है 23। ये इसका रेशियो हो गया कितना, 22:23। ये एस पी का इसका रेशियो है। आए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, एक दूध विक्रेता दूध लेते समय 20% का और दूध देते समय 30% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा में वाई बटा में क्या करना है दोस्तों, 100 करना है। ये इसका फॉर्मूला होगा। तो 20 प्लस का 30 प्लस में 20 गुणा में 30 बटा में 100 लगा दीजिए, और देखिए 20 और 30 कितना होता है, 50 होता है, प्लस में 20 और 30 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 600 बटा में 100 लगा दीजिए। अब देखिए, इसका हम एलसीएम के माध्यम से इसको हल करेंगे तो 100 डाउन में आ जाएगा, एक का डिवाइड इसमें करेंगे तो 100 आएगा, 100 गुणा 50 करेंगे तो कितना आएगा, 5000, प्लस में 100 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 100 एकम 100 आएगा, 100 गुणा एक को गुणा 600 से करेंगे दोस्तों तो 600 आ जाएगा। अब 5000 में 600 जोड़ते हैं तो 5600 हो जाता है, यानी 5600 हो जाता है। डाउन में कितना है, 100 है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो कितना आता है, 56। यही इसका आंसर है। ये क्या है, इसका आंसर यानी कि 56% का इसको क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। आशा करता हूँ आपको दोनों सवाल करना अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।